हाई, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में 18 दिसंबर से नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय जबलपुर से इस संबंध में आदेश जारी हो गए हैं। रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि मेडिकल कॉलेजों में 18 दिसंबर से अंतिम वर्ष की कक्षाएं, 19 दिसंबर से प्री फाइनल वर्ष की कक्षाएं और 21 दिसंबर से प्रथम और द्वितीय वर्ष की कक्षाएं नियमित रूप से लगने लगेंगी। इस आदेश के साथ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा जारी 19 पेज की दिशा निर्देश बुकलेट भी जारी की गई है। कोरोना महामारी के चलते मेडिकल कॉलेजों में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मार्च के बाद से ही नियमित कक्षाएं बंद हैं। इसके चलते विद्यार्थियों के सामने पढ़ाई को लेकर संकट खड़ा हो गया है। विद्यार्थी लंबे समय से मेडिकल कॉलेजों में नियमित कक्षाएं शुरू करने की मांग कर रहे थे। कुछ निजी मेडिकल कॉलेजों ने अपने स्तर पर कक्षाएं शुरू करने की कोशिश भी की थी, लेकिन विश्वविद्यालय के आदेश के इंतजार में कक्षाएं शुरू नहीं हो सकी। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित ने बताया कि हाल ही में मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद कॉलेजों में कक्षाएं शुरू होने का रास्ता खुल गया है। यूनिवर्सिटी ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों को जारी पत्र में कहा है कि कॉलेजों को तीन चरणों में कक्षाएं शुरू करना है। 21 दिसंबर से सभी कक्षाएं यानी अंतिम, पूर्व अंतिम, प्रथम और द्वितीय वर्ष की कक्षाएं नियमित लगने लगेंगी। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।